समय आए हैं विंटर प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च करने के लिए, और हमारा जो इसका मेन मकसद है, प्लांटेशन तो हम करते ही रहते हैं, एक अवेयरनेस जनरेट करना कि हम लोगों के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, उसको हमें डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना और लोगों में इसके बारे में जागरूकता लाना। जी सर, जिस तरह से जी प्लांटेशन ड्राइव के साथ साथ हम रेगुलर प्लांटिंग एक्टिविटी हमारी बहुत लार्ज स्केल पे चल रही है। अगर हम देखें तो जो हम 2018-19 तक 5,000-6,000 हेक्टर एरिया हम साल में ट्रीट करते थे, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट थे उसको हम रिहैबिलिटेट करते थे, आज हमारी जो स्पीड है वो 3 गुना हो गई है। आज हम करीब 18,000 हेक्टर जो है एक साल में ट्रीट कर रहे हैं, और हम बहुत ही जल्दी कुछ ही सालों में जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है हम आप सबके कोऑपरेशन से, पब्लिक के कोऑपरेशन से हम पूरी तरह रीस्टॉक कर देंगे, पूरी तरह रिहैबिलिटेट कर देंगे। तो कितने पेड़ सब जो एरियाज है आपका? जी मैं कैंपा का बताऊं, कैंपा जो मेन हमारी फंडिंग स्कीम है और जो जिसमें जिसके तहत मैक्सिमम प्लांटिंग हो रही है, उसमें अकेले ही हम करीब 1 करोड़ प्लांट हम लगा रहे हैं इस साल में, और अगले साल और इसका स्केल बढ़ने वाला है। हमारी प्लान्स बन रही है नेक्स्ट ईयर के लिए, और हम तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास प्लांट लगाएंगे नेक्स्ट ईयर। डेली वेजेस का मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है कई जगहों पे, इसका जो रूल्स है, कैफ रूल्स है, कॉम्पेंसेटरी फंड रूल्स है, उसमें कुछ बनाया हुआ है, प्रोविजन है उसका कि कितना पैसा आप डेली वेजर पर कैजुअल वॉश एंड वार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के नाम पर खर्च कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए जो जब से नया एक्ट आया है, नए रूल्स आए हैं 2019 से, तब से वो हमारे लिए एक लिमिटिंग फैक्टर है। हालाँकि फंडिंग का लेवल हमने कम नहीं किया है, जो फंडिंग 2018-19 के पहले होती थी उससे हमने बढ़ाई है, लेकिन ये जरूर है कि मतलब अनलिमिटेड मनी नहीं है, मनी पे एक लिमिट है और हर डिवीजन को पता होता है वो कितना खर्च कर सकता है, तो उसके तहत ही अपनी प्लान बनाता है और हम फंड रिलीज करते हैं। जनरल पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि हम आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम आपकी ज़रूरतों को देख के हम अपनी जो प्लांटेशन हम कर रहे हैं उसमें हम आपकी ज़रूरतें, फॉर्डर की ज़रूरत है, मेडिसिनल प्लांट की ज़रूरत है, आपकी टिम्बर, स्मॉल टिम्बर की ज़रूरत है, फायरवुड की ज़रूरत है, आपको पानी की ज़रूरत है। आज हमने नया फोकस दिया हुआ चीज़ों को पानी को लेकर के, जहाँ जहाँ पे वाटर चैनल्स हैं हम उसको इम्पाउंड करके हम वाटर रिचार्ज बढ़ा रहे हैं, हम छोटे छोटे वाटर पॉन्ड्स भी बना रहे हैं सो दैट गांव के लोगों को पानी मिले। तो हम बेसिकली हमारा पूरा ओरिएंटेशन पब्लिक के लिए है, और पब्लिक जितना हमें कोऑपरेट करेगी उतना हम जल्दी अपने टारगेट को अचीव करेंगे।